हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन आई वेलकम इन द कोर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था कि ट्रांजिशन कर्व का सेटिंग आउट, मतलब कि कैसे हम लोगों ने जो है टेंजेंट लेंथ और फिर एपेक्स डिस्टेंस और फिर टोटल लेंथ ऑफ द कर्व हमने निकाला था, फिर ऑफ शिफ्ट ऑफ द कर्व भी कैसे हमने निकाला था, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट और ग्रेडियंट होता क्या है, और फिर ग्रेड कंपनसेशन के बारे में भी बात किया था कि कैसे ग्रेड कंपनसेशन करना है और आईआरसी ने क्या सजेस्ट किया है ग्रेड कंपनसेशन के बारे में, कि जब हमारा फ्लैटर देन 4% हो देन देयर इज ए नो नीड ऑफ ग्रेड कंपनसेशन, और जो ग्रेड कंपनसेशन जो ग्रेड कंपनसेशन जो होगा वो 30+R/R और 75/R व्हिच एवर इज लेस वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व, और उसके बाद कैसे हम लोग ग्रेड को कंपनसेट करेंगे। अगर आफ्टर कंपनसेटिंग द ग्रेडियंट, जैसे ग्रेड को हमने कंपनसेट किया, अगर इसकी वैल्यू 4% से कम आ गई तो हमें 4% ही प्रोवाइड करना है, इतना हमने देखा था। सो उसके वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने ये पार्ट तो कर लिया है। वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने देखा था, हमने दो पार्ट में इसे कैटेगराइज किया था, पहला हमारा था ग्रेडियंट ग्रेडियंट और दूसरा जो था वैली कर्व, आपका जो था वैली जो है आपका सॉरी वैली आई एम वेरी सॉरी वर्टिकल कर्व जो दूसरा पार्ट आपका था वर्टिकल कर्व, और वर्टिकल कर्व में फिर हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, पहला जो जिसे बोला जाता है समिट और क्रेस्ट कर्व, समिट और क्रेस्ट कर्व, और दूसरा जो था दैट इज वैली और सैग कर्व, वैली और सैग कर्व। तो ग्रेडियंट तो हमने डिस्कस कर लिया, ग्रेडियंट तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, ग्रेडियंट जो चार टाइप्स के ग्रेडियंट थे उसको हमने डिस्कस किया, फिर ग्रेड कंपनसेशन कैसे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, सबमिट कर्व, सबमिट कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग फिर वैली कर्व को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबमिट कर्व, पहला हेडिंग सबमिट और क्रेस्ट कर्व क्या होता है। तो ऐसा कर्व जिसमें वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कर्व के ऊपर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबमिट कर्व होगा, और इसकी कन्वेक्सिटी जो होगी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ऐसा कर्व जिसमें कन्वेक्सिटी अपवर्ड हो और द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व इज कॉल्ड सबमिट कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व देन इट इज कॉल्ड सबमिट कर्व। सो कैसे ये बनेगा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कर्व जो है वो फॉर्म होगा। तो फॉर्म जो होगा इसके चार कंडीशंस है, पहला कंडीशन के बारे में अगर देखें कि वेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विथ डाउन ग्रेडियंट। लेट अस से कि अप ग्रेडियंट जो है वो आपका है +N1%, और जो डाउन ग्रेडियंट जो है वो आपका है -N2%। डाउन ग्रेडियंट मतलब कि निगेटिव में हमने उसे लिया है। अब लेट अस से कि कैसे बनेगा, तो मान लिया कि मैंने बोला कि एक अप ग्रेडियंट जो है वो आपका मीट करेगा डाउन ग्रेडियंट से। अप ग्रेडियंट कैसे, हॉरिजॉन्टल से देखा कि हमने ये +N1, और उसी तरह फिर ये यहां तक जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टली ये डाउनवर्ड चला गया है कुछ इस तरह, तो ये आपका नीचे चला गया है। तो ये कैसे बनेगा सबमिट कर्व, तो इसका सबमिट कर्व देखो कुछ इस तरह बनेगा। अब देखो कि वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो है वो पॉइंट वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कर्व के अबव है देन इट इज सबमिट कर्व, वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज अबव द कर्व देन इट इज कॉल्ड सबमिट कर्व, सो ये आपका -N2, और यहीं पे इस पूरे के पूरे एंगल को जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है डेविएशन एंगल। क्या बोला जाता है, डेविएशन एंगल जिसको कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करेंगे, क्या है, अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट। इसको हम लोग जनरली लिखेंगे मॉड ऑफ जो अप ग्रेडियंट है N1 - N2, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे N1 - N2 जो है वो आपका डेविएशन एंगल है आपका मॉड N1 - N2, ठीक है। तो ये आपका पहला सबमिट कर्व, पहला कंडीशन, मतलब कि व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद डाउन ग्रेडियंट।
वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज अबव द कर्व देन इट इज समिट कर्व. दूसरा कंडीशन कब होगा कि व्हेन अप ग्रेडियंट प्लस n1% मीटिंग विथ फ्लैट ग्रेडियंट मतलब कि कोई ग्रेडियंट नहीं है, जीरो ग्रेडियंट, तब भी हमारा सबमिट कर्व बनेगा. कैसे देखिए, व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विथ फ्लैट ग्रेडियंट यहां पे भी देखो कि वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा इस कर्व का वो आपका ऊपर में, ये आपका प्लस n1% और यहां पे n2 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे जो हो जाएगी डेविएशन एंगल कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू, तो डेविएशन एंगल जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू अलजेब्रिक डिफरेंस n1 - 0, सो इट इज n1, यहां पर डेविएशन एंगल हो गया. और ये भी वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट. ये ऊपर बनेगा तो सबमिट कर्व, डाउन बनेगा तो वैली कर्व. वैली कर्व के बारे में मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता हूं, अगले क्लास में वो डिस्कस हम लोग करेंगे डिटेल में. तीसरा कंडीशन कब होगा, तो ये ईएसई में खूब पूछा जाता है कि कैसे जब एक ग्रेडियंट दूसरे ग्रेडियंट से किस तरह मीट करेगा तो किस तरह के कर्व का फॉर्मेशन होगा. सो व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स विद द डाउन ग्रेडियंट देन ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व. व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द फ्लैट ग्रेडियंट देन ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व. अब तीसरा, when up gradient meeting with up gradient. अगर अप ग्रेडियंट मीट कर रहा है फिर से अप ग्रेडियंट में, तो यहां पे दो कंडीशन है बिल्कुल ध्यान में रहे कि जब अप ग्रेडियंट मीटिंग विद अप ग्रेडियंट, तो दो चीज है. अगर आपका n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 है तब तो आपका क्या बनेगा, सबमिट कर्व बनेगा. दोनों अप ग्रेडियंट ही है, दोनों प्लस है, प्लस में ही है दोनों, लेकिन जो पहला जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे से, देन सबमिट कर्व बनेगा. अगर n1 की वैल्यू n2 से कम हो जाएगा देन वैली कर्व बनेगा. अब वैली कर्व के बारे में मैंने पहले ही बोला कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरा कंसर्न ये है आज के क्लास के लिए. सो देखो कैसे व्हेन अप ग्रेडियंट, तो लेटेस्ट है कि ये हमारा एक अप ग्रेडियंट है, ये हमारा क्या है, एक अप ग्रेडियंट है, और ये फिर दूसरा अप ग्रेडियंट है. आप यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल से ये वाला वैल्यू प्लस n1, और फिर यहां से अप ही हो रहा है तो ये प्लस n2. तो यहां पे फॉर्मेशन जो होगा सबमिट कर्व का होगा. देखिए यहां पे दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व. दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट कर्व के ऊपर है तो सबमिट कर्व बन रहा है. यहां पे डेविएशन एंगल कितना होगा मेरे बच्चों, तो बताइए. पहला जो अप ग्रेडियंट है वो n1 - n2, सो यहां पे आपका डेविएशन एंगल जो हो जाएगा वो n1 - n2. ओके, और ये आपका डेविएशन एंगल है, दिस इज द डेविएशन एंगल आपका जो होगा. तो यहां पे भी सबमिट कर्व बन रहा है. तो अब यहां पे बोला जाएगा कि अगर स्टेटमेंट इस तरह बोलेगा कि व्हेन अप ग्रेडियंट मीट विद द अप ग्रेडियंट देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व, नहीं, ऑलवेज नहीं रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. कब डिपेंड कंडीशन क्या है कि स्टीपनेस ऑफ द ग्रेडियंट अगर डिक्रीज कर रहा है तभी सबमिट कर्व बनेगा. तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि स्टीपनेस ऑफ ग्रेडियंट डिक्रीजेस तभी बनेगा सबमिट कर्व, डिक्रीजेस. और यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे वैली कर्व के बारे में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं. फिर चौथा कंडीशन, तो लास्ट का दो कंडीशन है उसमें बिल्कुल ध्यान में रखें. लास्ट का जो दो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं, ये वाला कि ऑलवेज वाली बात नहीं होगी, कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि अप ग्रेडियंट मीट करेगा अप ग्रेडियंट से तो सबमिट भी बन सकता है, वैली भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा. तो जब हमारी स्टिफनेस ऑफ ग्रेडियंट डिक्रीज करती जाएगी तब हमारा सबमिट कर्व बनेगा. उसी तरह when down gradient meeting with down gradient. अगर डाउन ग्रेडियंट मीट कर रहा है डाउन ग्रेडियंट से ही, फिर यहां पे दो केस बनेगा. क्या कि सबमिट कर्व भी बन सकता है और वैली कर्व भी बन सकता है. ये कब होगा, सबमिट कर्व कब बनेगा, सबमिट कर्व क्या होगा, जब स्टीपनेस इन डाउन ग्रेडियंट इंक्रीजेस तभी ये बनेगा. देखो कैसे लेटेस्ट से कि ये हमारा जो है, ये हमारा पहला जो है
वो हमारा डाउन ग्रेडियंट है और फिर डाउन हुआ है, फिर डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सबमिट फॉर्म, सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा। देखिए फिर हमारा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो -N1% और ये -N2%। तो यहाँ पे जो डेविएशन एंगल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -N1 -N2 -N2। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, हो गया -N1 + N2। तो यहाँ पे डेविएशन एंगल जो है वो N2 - N1। सो ये आपका चार कंडीशन हमने बताया कि कब कब बनेगा। सबसे पहले तो इसकी कन्वेक्सिटी जो होगी वो अपवर्ड होगी। दूसरा किया है कि वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज अबव द कर्व, अबव द कर्व होगा तभी सबमिट कर्व बनेगा, सबमिट कर्व बनेगा। सो और क्या कंडीशन है, और क्या हो सकता है सबमिट कर्व। अब देखो कि ये हमारा सबमिट कर्व है, लेट अस से कि ये हमारा सबमिट कर्व है, ये हमारा सबमिट कर्व है। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है सबमिट कर्व की, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। पहला तो सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपका यहाँ पे ये बताइए कि आपका जो है डिसकंफर्ट का यहाँ पे कोई नो डिसकंफर्ट है, यहाँ पे नो डिसकंफर्ट, डिसकंफर्ट का कोई प्रॉब्लम है। डिसकंफर्ट क्या मतलब, डिसकंफर्ट का मतलब कि क्या है कि लेट अस से कि इसका जो वेट ऑफ द, अगर मान लो कि ये व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है, ये आपकी व्हीकल है, तो इसका सेल्फ वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और आपका जो इसका जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे। सो देयर इज ए पार्ट ऑफ रिलीफ इन द स्प्रिंग जो है, उसमें आपका रिलीफ होगा तो आपको डिसकंफर्ट नहीं होगा आपके सबमिट कर्व पे। सबमिट कर्व में नो डिसकंफर्ट का कंडीशन होगा, सबमिट कर्व में डिसकंफर्ट ज्यादा नहीं होगा। नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन साइट डिस्टेंस की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ साइट डिस्टेंस यहाँ पे होगी। बिकॉज आपको दिखेगा नहीं कि इधर से कौन सा व्हीकल आ रहा है, अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो इधर से कौन सी व्हीकल आ रही है ये आपको नहीं दिखा, तो प्रॉब्लम ऑफ साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस की प्रॉब्लम आपको सबमिट कर में होगी। इसी के रिवर्स में आप देखा जाए, रिवर्स में देखा जाएगा तो वैली कर्व में डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डिस्कम्फर्ट, बिकॉज वैली कर्व में जो है एक ही डायरेक्शन में जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट ऑफ द व्हीकल एक्ट करेगा, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम होगी, हाँ हाँ होगी, लेकिन साइड की प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। अगर डे टाइम की बात की जाए, नाइट टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन डे टाइम में आपकी प्रॉब्लम वैली कर्व में नहीं होगी, उसको हम लोग डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कंडीशन है, इसी के बारे में कुछ पॉइंट हमने लिखा भी है कि कब बनेगा नोट्स के बारे में। इफ पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व, इसी चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं कि पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व देन इट इज सबमिट कर्व, अगर बिलो होगा तो वैली कर्व। सबमिट कर्व इज ए कन्वेक्स अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड, इसका इक्वेशन जो होगा वो स्क्वायर पैराबोला होगा, जनरली जो होगा वो स्क्वायर पैराबोला इज प्रीफर्ड फॉर सबमिट कर्व ड्यू टू बेस्ट राइडिंग क्वालिटी, सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। सारे पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, बस इसको लिख भी दिया है। आइडियल शेप ऑफ सबमिट कर्व इज सर्कुलर बिकॉज साइड डिस्टेंस अवेलेबल थ्रू आउट द कर्व, मैंने बोला कि एक ही प्रॉब्लम सबमिट कर्व में है, वो क्या, साइड डिस्टेंस की, जिसके कारण जो आइडियल शेप होगा वो सर्कुलर जो होगा आपका वो आइडियल शेप होगा। देयर इज ए नो प्रॉब्लम ऑफ डिसकंफर्ट ऑन सबमिट कर्व बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हमने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आपका वेट ऑफ द व्हीकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो ए लिटिल बिट जो है आपका प्रेशर ऑन टायर एंड स्प्रिंग ऑफ द व्हीकल इज रिलीज, दैट्स व्हाई आपको डिसकंफर्ट का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने जा रहा है। अब हम लोग अगला हेडिंग जो डालते हैं वो जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व, अगला हेडिंग जो है वो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व। एक लाइन में अगर बोला जाए जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं a into x square y is equal to a into x square, where a is equal to n by 2l, l जो है लेंथ ऑफ द कर्व और n जो है आपका डेविएशन एंगल है। अब इसको मैं डिराइव भी करूंगा, तो देखिए कैसे डिराइव होगा, लेट अस से कि ये आपका सबमिट कर्व है कुछ इस तरह सबमिट कर्व है, यहाँ पे आपका बना है, यहाँ पे डेविएशन है इस तरह ग्रेडियंट और यहाँ का ग्रेडियंट जो है आपका डाउन ग्रेडियंट, व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स विद द डाउन ग्रेडियंट फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व, ये एन है आपका, ठीक है, ये आपका लेट अस से कि ये जो है आपका एन वन है और ये एन टू है, ठीक है, डेविएशन एंगल है।
अब हमने ले लिया है, लेट अस से कि ये एक्सिस ही हमने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा एक्सिस है, ये वाई और ये एक्स, ये एक्स है और ये पूरा का पूरा जो है वो लेंथ ऑफ द कर्व है। इसको अगर हमने बोला लेंथ ऑफ द कर्व यहां तक के पॉइंट को, और ये इसको हमने बोला, इसको हमने बोला कि ये हमारा वाई डैश है और ये जो है ये वाई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, वाई डैश इज इक्वल टू कैन बी रिटन बिकॉज आपका जनरल इक्वेशन जो होता है सबमिट कर का पैराबोला, क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो जब वाई की वैल्यू जीरो होगी, जब 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 आपकी वैल्यू जब जब आपकी जो है एट ओरिजिन, मतलब कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई डैश इज इक्वल टू जीरो व्हेन। सो यहाँ पे जो है आपका जो ग्रेडियंट जो है, तो इसमें बाउंड्री कंडीशन अगर हमने यूज किया, बाउंड्री कंडीशन ये हमारा जो है वो प्लस एन वन ग्रेडियंट है, एन वन परसेंट, और ये माइनस एन टू परसेंट है आपका, ठीक है। तो मैंने बोला कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई डैश इज ऑल्सो जीरो, वाई डैश इज ऑल्सो जीरो। तो यहां से क्या आ गया कि जीरो इज इक्वल टू ये जीरो, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई, यहां से सी इज इक्वल टू जीरो, सी जो है आपका जीरो आ गया। इक्वेशन क्या बची है आपका, इक्वेशन जो हो गया वो वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो डी वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस एन वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो डी वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस एन वन, प्लस एन वन जब आपका x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू जीरो डीवाई बाई डी, तो क्या हो जाएगा डीवाई डैश बाई डी एक्स, डीवाई डैश बाई डी एक्स कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी, टू ए एक्स प्लस बी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और ये एट x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो डीवाई बाई डी एक्स, एक्स जीरो पे, तो डीवाई बाई डी डैश एट x इज इक्वल टू जीरो पे कितनी हो जाएगी b, मतलब कि b की वैल्यू कितनी हो गई प्लस एन वन, b की वैल्यू जो हो गई प्लस एन वन। सिमिलरली व्हेन dy डैश बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल, ये कितनी हो जाएगी माइनस एन टू, माइनस एन टू। यहां पे देखिए जब x की वैल्यू dy डैश बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल कितनी हो जाएगी माइनस एन टू। अब dy बाई डी एक्स जो है dy डैश बाई डी एक्स कितना है आपका टू ए एक्स प्लस बी यहां पे, तो यहां से कितना हो जाएगा टू ए इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है एल प्लस बी, दैट इज इक्वल टू माइनस एन टू, और b की वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो 2al plus n1 is equal to minus n2। तो यहां से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगा 2al, 2al is equal to minus n1 minus n2। तो यहां से a is equal to minus n1 minus n2 divided by 2l। तो आपके पास इक्वेशन जो आ गया है, इक्वेशन क्या आ गया, y dash is equal to, y dash is equal to कितनी आ गई, y dash is equal to, y dash is equal to कितनी आ गई, तो y dash की वैल्यू जो आ गई, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, सो y कैन बी रिटन एज y, यहां पे देखिए y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ये पूरा लेंथ, पूरा लेंथ माइनस y डैश। सो y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, इफ आई राइट y, सो y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू n1 इनटू x माइनस y डैश, n1 x माइनस, और यहां से क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू n1 x माइनस y डैश। y डैश क्या है, y dash जो है आपका बच गया है, y dash is equal to ax square plus bx, ax square plus, ax square plus bx, और y is equal to can be written as a, n1x minus a, a की वैल्यू कितनी है, a जो है तो यहां से हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ये माइनस, अगर माइनस करवा तो n1 plus n2 divided by 2l into x square minus b into x, और b की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू जो है वो n1 है, तो यहां से हो गया माइनस एन वन इंटू एन वन इंटू एक्स, एन वन एक्स, एन वन एक्स कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या बच गया एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई टू एल इंटू एक्स। अब ये एन वन प्लस एन टू क्या है, एन वन प्लस एन टू क्या है, यही तो डेविएशन एंगल है, यहां पे एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वन माइनस इंटू माइनस एन टू, सो यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन वन प्लस एन टू। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं एन बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एन बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो फॉर्म हमने बताया था, यही तो फॉर्म हमने बताया था, यही फॉर्म हमने बोला था कि जो आपका इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू n बाई टू एल होगी, a की वैल्यू मतलब n बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व, जनरल इक्वेशन
जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व, सबमिट कर्व, जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व जो होगा आपका यही होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सबमिट कर्व। सो ये आपका जो इक्वेशन है, ये आपका जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सबमिट कर्व, तो यही तो हमने बताया था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू जो हो जाएगी वो n बाई 12। अब हमें सबमिट पॉइंट के लिए कि कहां कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट से हमारा जो पॉइंट होगा वो सबमिट पॉइंट होगा। तो सबमिट पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, y डैश इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो सबमिट पॉइंट फॉर सबमिट पॉइंट फॉर सबमिट पॉइंट डी वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब ट्वाइस ए, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई टू एल। अभी हमने देखा था ए की वैल्यू माइनस एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई टू एल, अब प्लस इन टू एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है एन वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो गया, टू टू कैंसिल, सो लिख सकते हैं कि एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई एल इन टू एक्स दैट इज इक्वल टू एन वन। इसको मैं उस साइड ले गया माइनस के बाद, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एन वन एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। मतलब कि इस डिस्टेंस पे हमारा जो है फ्रॉम वन साइड से जो होगा हमारा मैक्सिमम, इस एक्स पे हमारा सबमिट पॉइंट मिलेगा। अगर अदर एंड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अदर एंड से कितना हो जाएगा, तो फ्रॉम अदर एंड से सबमिट पॉइंट कितने पे होगा, दैट इज एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स पे सबमिट पॉइंट जो होगा फ्रॉम अदर एंड से, सबमिट पॉइंट जो होगा, सबमिट पॉइंट होगा एट एल माइनस एक्स। तो एल माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो एन वन एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। तो यहां से एन वन एल माइनस एन वन, तो क्या बच गया, बच गया एन टू एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। आपका ये जो दूसरा हो गया ये हो गया। सो आपका सबमिट पॉइंट जो होगा लेटस से कि इस तरह का कर्व हुआ, लेटस से कि ये अब आपका कर्व है कुछ इस तरह, और ये आपका जो है वो ग्रेडियंट है, ये आपका ग्रेडियंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो जो सबमिट पॉइंट होगा इस एंड से, इस एंड से जो होगा वो एन वन एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, और यहां से हो जाएगा आपका इस एंड से, इधर से जो होगा वो एन टू एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। अगर आपका ये प्लस एन वन परसेंट ग्रेडियंट और ये प्लस एन टू परसेंट ग्रेडियंट, दिस इज द डेविएशन एंगल एन, और ये पॉइंट ए है मान लो लेटस से, ये सबमिट पॉइंट, सबमिट पॉइंट। तो ये पूछता है एग्जाम में कि सबमिट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, तो एक एंड से जो होगा वो एन वन इंटू एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, और दूसरे एंड से होगा, अदर एंड से जो होगा वो एन टू एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। अब दूसरा चीज बोला जाता है कि जैसे मान लो कि दोनों ग्रेडियंट हमारा सेम हो, दोनों ग्रेडियंट अगर सेम हो, और एक चीज की सबमिट पॉइंट जो होगा वो ऑलवेज फ्लैटर ग्रेडियंट की तरफ ही लाई करेगा, जो हमारा एक जो हम आप इसको देखोगे तो उसी चीज को हमने लिखा है कि सबमिट पॉइंट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स फ्लैटर ग्रेडियंट, जिधर फ्लैटर ग्रेडियंट होगा उधर ही आपका सबमिट पॉइंट लाई करेगा। व्हेन टू ग्रेड्स आर इक्वल द कर्व वुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ द इंटरसेक्टिंग एंगल एंड सबमिट पॉइंट लाइज ऑन द बाइसेक्टर। व्हेन टू ग्रेड्स आर अनइक्वल द कर्व वुड बी टिल्टेड एंड सबमिट कर्व। सेम चीज, उसी चीज को मैंने फिर से लिखा है कि अगर दो ग्रेड अनइक्वल है, अगर इक्वल है तब तो आपका इक्वल एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे, ठीक है, लेकिन अगर अगर ग्रेड्स जो है अनइक्वल है देन सबमिट पॉइंट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द फ्लैटर ग्रेडियंट, और वैल्यू कितनी होगी एन वन एल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, ठीक है। उसी तरह यहां पे अगर यहां पे हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कर्वेचर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा क्या, वन बाई आर को क्या बोलते हैं, कर्वेचर दैट इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू। और सबमिट पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई आर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा, अब हमारे पास क्या है कि वाई की वैल्यू क्या है, वाई अभी हमने कर्व निकाल इक्वेशन निकाला था, वन बाई आर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, एन एक्स स्क्वायर बाई टू एल, एन एक्स स्क्वायर बाई टू एल।
तो यहां से क्या हो जाएगा y डैश या dy by dx उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस nx by 2l, मतलब कि nx by 2l, और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू n by 2l, तो यहां पे पुट कर दीजिए, सो 1 by r इज इक्वल टू n by 2l, 1 by r इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे आपका dy by dx जो हो गया वो ट्वाइस nx by 2l, तो ये nx by l हो गया, आई एम वेरी सॉरी, यहां पे आपका हो गया nx by nx by l, nx by l, और यहां पे हो गया आपका n by l, n by l, d2y by dx is equal to n by l, n by l, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 by r is equal to, 1 by r is equal to, 1 by r is equal to n by l, 1 by r is equal to, या r is equal to, r is equal to l by n, r is equal to l by n. अब यहीं पे जैसे मान लो कि हमें rl के वैल्यू को निकालना है, तो लेट अस से कि ये पहला ग्रेडियंट जो हमारा था कुछ इस तरह, और दूसरा ग्रेडियंट जो है हमारा मीट किया कुछ इस तरह, और सममित कर्व बना कुछ इस तरह, कुछ इस तरह सममित कर्व बना, ये आपका प्लस एन वन और ये माइनस एन टू, और इस पॉइंट को लेट अस से कि ये सममित पॉइंट, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट सी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इसको हमने बोला स्ट्रेट से मिलाया, इस पॉइंट को हमने बोला ए, दिस इज बी, और ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल, एन एक्स स्क्वायर बाई टू एल, और ये एक्स यहां से ले रहे हैं हम लोग, तो वेन 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 एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, जब एक्स की वैल्यू एल बाई टू है, वेन एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y एट x इज इक्वल टू एल बाई टू कितनी हो जाएगी बताइए, n बाई टू एल इंटू एल स्क्वायर बाई फोर, तो यहां से कितनी आ गई, y एट x इज इक्वल टू एल बाई टू पे कितनी आ गई, यहां से एल एल कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, तो कितनी बच गई, l से l, तो एन एल बाई एन एल बाई एट, अब वो एन एल बाई एट y की वैल्यू है, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो आपको मान लो कि ये c है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो एन एल बाई एट है, दिस इज y is equal to nl by 8 at x is equal to l by 2, जब हमारा x is equal to l by 2 होगा, तो x जो हमारा l by 2 होगा, तो rl of c जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कि जो rl of a अगर पता है, rl of a अगर पता है my dear student, यहां का rl पता है, तो rl of a plus हमने यहां पे पहुंच गया कैसे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा n1 into l by 2, जब ये l by 2 है, ये l by 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l by 2, तो यहां पे पहुंच गया, और उसमें से ये डिस्टेंस अगर हमने माइनस कर दिया, जो ये y है, दैट इज nl by 8, तो क्या हम पहुंच जाएंगे यहां पे c पे, तो वही चीज है कि rl of a plus n1 l by 2 minus nl by 8, तो यहां rl of c, उसी तरह माय डियर स्टूडेंट rl of b अगर निकालना हो, rl at the rate of b क्या निकाल सकते हैं, rl जो है at the rate of a का प्लस क्या कर सकते हैं, RL हमने A का निकाला, प्लस हम क्या यहाँ पे पहुंच गए N1 into L प्लस सॉरी प्लस जो है हमने N1 into L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस N1 into L माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Y is equal to at X is equal to L पे कितनी वैल्यू है, at X is equal to X L पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, NL by 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N into L divided by 2, n l divided by 2, तो यहां पे r l at b जो होगा ये वैल्यू, अरे भैया जब ये जो है अगर n1 इसको हमने और इधर मूव किया, तो यहां पे हम पहुंच गए n1 into l, और माइनस जो है यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे when x is equal to l by 2, नहीं समझ में आ रहा है, देखो बाबू देखो यहां पे जैसे कुछ इस तरह का हमारा है, ये जो है हमारा कुछ इस तरह का सममित कर्व है, ये हमारा सममित कर्व है, ये पॉइंट है, ये आपका प्लस एन वन परसेंट है, ये आपका माइनस एन टू परसेंट है, और ये वाली जो है आपका पॉइंट जो है ये आपका बी है, और ये जो है आपका ए है, और ये पॉइंट जो है जहां पे ये मीट कर रहा है, ये पॉइंट हमने सी लिया, और ये जो डिस्टेंस हमने लिया कि ये एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, ठीक है, और ये पूरा का पूरा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, एन एक्स स्क्वायर बाई टू एल, तो अभी हमने देखा कि वेन वेन x is equal to l, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n into l square divided by 2l, मतलब क्या बच गया, y is equal to nl by 2, y is equal to nl by 2,
तो जब हमारे पास आर एल ऑफ ए मालूम है बी का चाहिए, तो बी का चाहिए तो क्या है, हम यहां पे पहुंच गए और फिर यहां से हमें माइनस आना है यहां पे, तो क्या लिख सकते हैं, आर एल एट बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, आर एल एट ए प्लस ये वाला, जब जब पूरा का पूरा लेंथ कितना है, एल है पूरा का पूरा लेंथ, मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली जो हो जाएगी पूरा का पूरा लेंथ एन वन एल, तो एन वन एल और माइनस माइनस जो है हम यहां पे पहुंच गए और यहां से हमने क्या कर दिया, y की वैल्यू को माइनस कर दिया, मतलब एन एल बाई टू, तो यहां से हम आर एल ऑफ बी निकाल लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आर एल जो भी अभी कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है, तो आर एल सी का भी हमने देखा, फिर ए का भी देखा और बी का भी कैसे निकालेंगे उसको भी हमने देखा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है माय डियर स्टूडेंट, कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैसे निकाला जाए, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैसे निकाला जाए माय डियर स्टूडेंट। सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, अब हम लोग अगला हेडिंग वही देने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, ये तो हमने देखा बेसिक बिल्कुल सबमिट कर्व का। अब लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, इसको हम लोग दो केस इसमें हम लोग लेंगे, दो कंडीशन हम लोग लेंगे कि वेदर लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, या लेंथ जो है लेस देन साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस। फिर ये साइड डिस्टेंस जो है, साइड डिस्टेंस हमने बोला क्या क्या हो सकता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। यहां भी साइड डिस्टेंस क्या हो सकता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो फिर यहां पे हम लोग दो केस इस हर में फिर दो केस डिस्कस करेंगे कि जब लेंथ साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, तो अगर मान लो कि लेंथ ऑफ द कर्व जो है वो ग्रेटर देन एसएसडी, और या लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन ओएसडी और आईएसडी। उसी तरह यहां पे फिर दो केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंथ ऑफ द कर्व अगर लेस देन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, या लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट क्या है कि लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन, सो पहले केस को हम लोग लेते हैं क्या, कि व्हेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, पहला केस कि व्हेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जिसको हम लोग एल से दिखाएंगे, ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये लेटर से कि ये हमारा साइड डिस्टेंस है, सॉरी ये हमारा सबमिट कर्व है, ये हमारा सबमिट कर्व है और ये हमारा जो है इंटरमीडिएट पॉइंट है। अब लेंथ ऑफ द कर्व, जो लेंथ जो है हमारा पूरा का पूरा जो है लेंथ लेटर से वो ज्यादा है, मतलब कि ये वाला जो है हमारा, ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व है, और साइड डिस्टेंस जो है वो क्या है, जो यहां से दिखे। सो लेटर से कि ये है आपका, ये एच है, हाइट ऑफ ड्राइवर, आई लेवल ऑफ ड्राइवर, और यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच। तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, लेटर से कि इसको हमने मान लिया कि एस वन, और ये जो होगा वो एस टू, ये होगा जो एस टू। अब हमारा इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर, एन बाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जब वाई की वैल्यू एच है, वाई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू एल इंटू एस वन स्क्वायर बोलिए, या ए एस वन स्क्वायर, या एन बाई टू एल रख लो, जैसा बोल दो। सो या तो एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू एस वन स्क्वायर, सो यहां से एस वन क्या लिख सकते हैं, एस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ए, और उसी तरह फिर एस टू क्या लिखा, सिमिलरली एस टू क्या लिख सकते हैं, सो एस टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एच बाई ए। अब हमारा साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, साइड डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, एस वन प्लस एस टू इज द साइड डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई ए प्लस स्मॉल एच बाई ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, एस वन प्लस एस टू क्या है, हमारा साइड डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइड डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए। सो एस स्क्वायर कैन बी रिटन एज एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब ए के जगह पे रख दीजिए, तो ए इंटू एस स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर, और a की जगह पे क्या है n बाई 2l, तो n बाई 2l इंटू s स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे आप लिख सकते हो कि 2l ns स्क्वायर, ns स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l। सो यहां से लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो आ गया, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज इक्वल टू l इज इक्वल टू ns स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कब कब, जब ये कंडीशन कब होगा, जब लेंथ जो हमारा ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या है सिंबल्स। सिंबल्स जो है एल जो है वो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, एल इज दी लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। एन जो है वो क्या है आपका डेविएशन एंगल, एन इज द डेविएशन एंगल। एस जो है वो क्या है साइड डिस्टेंस। एच क्या है और स्मॉल एच क्या है। तो एच जो है आपका, सो यहां पे क्या है कि आपका एच जो है वो हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर अबव द रोडवे सरफेस, हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर अबव द रोड सरफेस, और स्मॉल एच जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द पेवमेंट सरफेस। अब यहां पे ध्यान देंगे कि आपके पास जब कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि वेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ये हमने पहला कंडीशन लिया है, और उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन आया है एल की वैल्यू जो आई है वो एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर एच प्लस रूट अंडर कैपिटल एच का होल स्क्वायर। यही आया ना, यही तो है एक्सप्रेशन, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच इंटू। अब यहां पे अगर एस की वैल्यू जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, तो यहां पे जो आपको जो लेना है एच की वैल्यू दैट इज 1.2 मीटर, और एच की वैल्यू हमें मालूम है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था 0.1 मीटर, मतलब कि हम लोग अगर यहां पे लिखें और इसको एक्सपेंड फॉर्म में कि अगर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, देन लेंथ को क्या लिख सकते हैं एन इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करोगे, जब वैल्यू पुट करोगे तो एन इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.15 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी एल इज इक्वल टू एन इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो आ जाएगी ये कितनी आ गई 4.4। तो ये भी आप यूज कर सकते हो एन एस स्क्वायर या एन एस एस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। लेकिन ये अगर एस जो है वो आपका साइड डिस्टेंस जो होगा, इफ साइड डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, अगर ये कुछ भी होगा तो यहां पे आपको एच की वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर आपको लेना है, आपको स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर लेना है। अब यहां पे पुट करोगे एल की वैल्यू तो यहां पे हो जाएगा एन इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 का होल स्क्वायर। तो यहां से एल इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6, एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर, जहां पे एस जो है यहां पे क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है। तो ये 9.6, इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रहे कि जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर हमें जो है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू जो हो जाएगा वो 1.2 मीटर हो जाएगा। अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ले रहे हैं एस की वैल्यू, अगर एस की वैल्यू जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर है तो एच कैपिटल एच की वैल्यू 1.2, स्मॉल एच की वैल्यू 0.15, और यहां से जो होगा एल इज इक्वल टू
एन इंटू एस एस डी का स्क्वायर, या अगर आप एस जब स्पेसिफाई कर दे तो या ये भी लिख सकते हो कि एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4, कुछ भी आप लिख सकते हो, जहां पे एस हमें मालूम है कि हमने क्या ले लिया है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ले लिया है, यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ले लिया है। अगर एल की वैल्यू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है तो एन एस स्क्वायर बाई 4, यहाँ एस जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, यहाँ पे ओवरटेकिंग अगर साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट लिया है तो 1.2 मीटर लेना है आपको, ठीक है। दूसरा केस, अब केस टू, एक केस का दो पार्ट हमने डिस्कस किया। पहला केस हमने लिया कि व्हेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, व्हेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो अगर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, देन L इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई 4.4। अगर L जब अब लेंथ ऑफ सबमिट कर्व ग्रेटर देन OSD और ISD, देन L इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई 9.6। जनरल एक्सप्रेशन भी याद रखना है, जनरल एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है। वाई? बिकॉज समटाइम्स अगर क्वेश्चन में ही चेंज कर दे कि हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर अबव द रोडवे सर्फेस आपको कुछ लेना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द पेमेंट सर्फेस, तो आप 4.4 और 9.6 फिर काम नहीं आएगा, ये आपका जनरल इक्वेशन जो है यही आपको काम आएगा, स्क्वायर रूट एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा केस, केस टू कि व्हेन लेंथ ऑफ सबमिट कर्व when length of summit curve is less than side distance, length of summit curve is less than side distance, in that case आपको जो लेना है, in that case आपको जो हो जाएगा length of summit curve is equal to, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका that is equal to 2s minus 2 into square root of capital H into small h का whole square डिवाइडेड बाई एन, ये आपको रखना है। अगर लेंथ जो है आपका सबमिट कर्व जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम हो गया तो लेंथ इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अगर लेंथ ऑफ जो है आपका सबमिट कर्व स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम हो गया, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो SSD भी हो सकता है, OSD भी हो सकता है, ISD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें फिर दो केस कि अगर हमारा S की वैल्यू जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर हो गई तो क्या होगी, L इज इक्वल टू ट्वाइस S माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई N। अगर S की वैल्यू OSD और ISD होगी तो क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 2S माइनस 9.6 बाई N, ठीक है। बिकॉज हमने बताया है कि जब हमारा एस की वैल्यू SSD हो जाएगा तो कैपिटल एच की वैल्यू हमें लेना है 1.2 मीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अबव द रोड सरफेस इज 0.15 मीटर, और जब हमारी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और यहां पे हो जाएगा तो इन दैट केस हमें जो लेना है हाइट ऑफ द ड्राइवर जो H इज इक्वल टू स्मॉल H इज इक्वल टू 1.2 मीटर, इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रहे। तो चारों केस हमने डिस्कस किया बहुत आसानी से, आई होप कि फिर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो और आसानी से हमारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। सो चारों कंडीशन हमने बहुत आसानी से समझा है, क्या समझा है कि हाँ जो पहला केस हमने बोला कि जब लेंथ हमारा जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो होगा वो ज्यादा होगा आपका साइड डिस्टेंस से या लेंथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम होगा, तो यहाँ पे सॉरी ये जो है होगा आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो मैंने बोला कि जब लेंथ हमारा साइड डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या था, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल रूट अंडर एच का होल स्क्वायर। अब वो एस जो है वो किसके बराबर है, अगर हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिया है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कंपेयर किया है तो इस कैपिटल एच की वैल्यू 1.2 और स्मॉल एच की वैल्यू 0.15 मीटर, अगर हमने ओवरटेकिंग या ISD से साइड किया है तो फिर आपका H और जो स्मॉल H होगा वो 0.1.2 मीटर हो जाएगा। उसी तरह अगर लेंथ जो है वो कम होगा तो इस एक्सप्रेशन से उसमें फिर दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन एक कर लेते हैं इस पे कि क्या है कि ए वर्टिकल सबमिट कर्व इज टू बी डिजाइन व्हेन टू ग्रेड्स +2% एंड -5%, मतलब कि अपग्रेड जो है वो +2% और डाउनग्रेड जो है -5% मीट ऑन ए नेशनल हाईवे, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड The stopping side distance and overtaking side distance required are 180 meter and 600 meter. आपका दोनों दिया हुआ है respectively. The length of vertical curve, however, is to be restricted to one for जो है आपका length of vertical curve जो है वो restrict किया गया है 1550 meter only due to side condition. Calculate the length of summit curve needed to fulfill the requirement of both SSD or OSD दोनों के लिए.
तो हमारे पास सबसे पहले तो बना लीजिए सबसे पहले डेविएशन एंगल एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एन वन माइनस एन टू। तो यहां से क्या हो जाएगा, टू माइनस इन टू माइनस फाइव, तो कितना हो गया 7%, कितना हो गया 7%, 7% हो गया। और आपका जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 180 मीटर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 180 मीटर। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज 600 मीटर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज 600 मीटर। ओके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज 600 मीटर। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड इतना ओनली ड्यू टू द साइड कंडीशन, कैलकुलेट लेंथ ऑफ सबमिट कर। तो हमने यहाँ पे मानना है, एज्यूम करना है, एज्यूम कर लिया, एज्यूम कि लेंथ जो है वो ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, जो लेंथ जो है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, जो एल जो है हमारा एसएसडी से ज्यादा है, जो एल जो है वो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, तो क्या होगा। सो पहला जो हमने एज्यूम कर लिया है कि कितना की लेंथ ऑफ सबमिट जो कर्व होगा वो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो क्या हम लोग ने दिखा था कि जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कैपिटल एच इज इक्वल टू 1.2 और स्मॉल एच 0.15 मीटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। अब एन की वैल्यू जो है वो कितना है आपका 7%, मतलब की 0.07 इंटू एस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी है 180 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। चेक करिए कितनी आई लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज 0.07 इनटू 180 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4। सो ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 515.45 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 516 मीटर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। एजम्पशन हमारा सही है, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, तो यहां पे लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज इक्वल टू 516 मीटर। और रिस्ट्रिक्शन कितना है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 1550 मीटर से, तो हाँ ये भी सही है। अब दूसरा जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से, और तो व्हेन एस इज इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और हमने फिर से एज्यूम कर लिया, एज्यूम कि एल जो है वो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होगा, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको जो वैल्यू रखना है वो एच इज इक्वल टू स्मॉल एच इज इक्वल टू 1.2, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ जाए, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। सो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.07 इंटू एस के जगह पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, तो 600 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। सो ये वैल्यू जो आ गई 0.07 इंटू 600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6, सो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 2625 मीटर। एजम्पशन तो सही है कि आपकी एल की वैल्यू जो है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा हो गई, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपको 15150 ही देना है लेंथ, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये तो ओके है, बट रेस्ट्रिक्शन जो है वो कितना है, रेस्ट्रिक्शन टू प्रोवाइड ओनली कितना 1550 साइड डिस्टेंस को कंसर्न रखने के लिए। सो ये आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो फिर इस लेंथ को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो है वो क्या है, ओवरटेक इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि यार 2 times स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी 2 into 180, मतलब कितना 360 मीटर। और 360 मीटर लेकर फिर से हम लोग ने एज्यूम कर लिया लेट कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो होगा वो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से ज्यादा होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व होगा दैट इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। तो यहां से क्या हो जाएगा 0.07 इंटू 360 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। तो ये वैल्यू जो आ गई 0.07 इंटू 360 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। सो यहां से लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो आ गया 945 मीटर। ओके, आपका एजम्पशन भी सही है कि लेंथ जो है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना है आईएसडी से ज्यादा है, और रेस्ट्रिक्शन जितनी है उससे भी कम है, तो आप इतना प्रोवाइड कर सकते हो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो हो गया वो कितनी हो गई 945 मीटर। समझ में आया होगा आप लोग को पहला क्वेश्चन जो ये था। दूसरा क्वेश्चन है कि डिजाइन ए सबमिट कर्व फॉर ए नेशनल हाईवे
फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर। आप यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्वेश्चन में जो है वो कितना है, वो है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 180 मीटर। जंक्शन फॉर राइज ग्रेडियंट है वन, जो है आपका N1 जो है वो कितना है 1/50, और N2 जो है वो डाउन फॉलिंग ग्रेडियंट जो है -1/30। सो डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा 1/50 प्लस 1/30। ये वैल्यू कितनी आ गई 1/50 प्लस 1/30, 1/50 प्लस 1/30। ये वैल्यू जो हो गई आपकी 4/75, 4/75 N की वैल्यू। ठीक है, डिटरमाइन द RL ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली, जो है आपका डायरेक्टली इमीडिएटली बिलो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्रेड लाइन एंड ऑल्सो फाइंड द RL ऑफ सबमिट पॉइंट। एज्यूम RL जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले तो बना लो आप, ये आपका जो है अप ग्रेडियंट और ये जो है आपका डाउन ग्रेडियंट, और यहीं पे आपका जो है ये सबमिट कर्व है, ये आपका जो है वो सबमिट कर्व है। ये पॉइंट जो है जस्ट बिलो द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कैपिटल N हुआ, ये प्लस N1 और ये माइनस N2। ये वैल्यू जो है वो X है। हमने मान लिया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। शायद क्वेश्चन में भी बोला है इस तरह, RL जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट का है तो हम सबमिट पॉइंट का आपको पहले निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या हम लोग निकाल लें, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, तो सबसे पहले तो हमारा जो है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व निकाल लो पहले। सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हमने फिर से यहाँ एज्यूम किया, एज्यूम कि पहला केस कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो क्या आता है लेंथ, L इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। अब N की वैल्यू कितनी है, N जो है आपका यहाँ पे 4/75। सो 4/75 इंटू 4.4 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 180। सो 180 का स्क्वायर यहां से देखो कितना आ रहा है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। सो 4 into 180 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 75 into 4.4। सो ये वैल्यू जो आ गई 392.72। हाँ तो ज्यादा है 392.72, इसको हमने जो हमारा सबमिट जो इक्वेशन जो आया लेंथ जो आया है सबमिट कर्व का वो 392.72 मीटर। इसको हमने एज्यूम कर लिया लेटेस्ट से कि L जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमने 400 मीटर ले लिया है। ठीक है, 400 मीटर हमने ले लिया है। अब RL जो है वो C का कैसे होगा, तो RL एट C जो होगा वो कितना हो जाएगा, RL स्टार्टिंग पॉइंट प्लस यहाँ पे पहुंचना है तो क्या हो जाएगा N1 इंटू ये वाले वैल्यू जो है हाफ है तो N1 इंटू L बाई 2 माइनस ये वाली वैल्यू, ये Y की वैल्यू। तो X इज इक्वल टू L बाई 2 पे क्या हो जाएगा NL बाई 8। X इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या है, Y इज इक्वल टू NX स्क्वायर बाई 2L। तो Y एट X इज इक्वल टू L बाई 2 पे क्या हो जाएगा NL बाई 8 अभी हमने लिखा था। तो यहाँ पे RL एट C निकाल सकते हैं, तो RL एट C जो होगा वो क्या हो जाएगा, RL एट C इज इक्वल टू RL एट A स्टार्टिंग पॉइंट पे 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में प्लस N1। N1 की वैल्यू कितनी है 1/50 इंटू L1 L/2 मतलब 400/2 माइनस NL बाई 8। तो N की वैल्यू कितनी है, N जो है वो आपका कितना है, दैट इज 4/75। सो 4/75 इंटू 400/8 यहां से देखिए कितनी आई RL एट C। सो ये वाली वैल्यू जो हो गई आपकी 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 1/50 इंटू 400 बाई माइनस जो हो गया आपका 1600 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 8। सो दिस वैल्यू इज 101.33 मीटर, 101.33 मीटर। उसी तरह आपका सबमिट पॉइंट निकालना है, तो सबमिट पॉइंट पहले निकाल लो। तो कहां पे सबमिट पॉइंट होगा, फॉर सबमिट पॉइंट कहां पे सबमिट पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी क्या N1 इंटू L डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहां से क्या हो जाएगा N1 इंटू L जो हो गया आपका कितना, तो N1 की वैल्यू कितनी है 1/50 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 4/75। सो ये वैल्यू देखो कितना आ गया 400 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 200। सो ये वैल्यू जो आ गई है 150 मीटर, मतलब कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से 150 मीटर पे, यहां से 150 मीटर पे आपका मैक्सिमम सबमिट पॉइंट आएगा। ठीक है,
तो दूसरे एंड से कितना हो जाएगा, फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम अदर एंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम, ये फ्रॉम ए है तो फ्रॉम बी से क्या हो जाएगा, फ्रॉम अदर एंड मतलब कि बी से कितने पे हो जाएगा, तो 400 माइनस 150 मतलब कितना हो गया 250 मीटर पे। तो सबमिट पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, आरएल निकालना है सबमिट पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा सबमिट पॉइंट पे आरएल, आरएल एट, आरएल एट सबमिट पॉइंट, आरएल एट सबमिट पॉइंट, सबमिट पॉइंट पे क्या हो जाएगा आरएल एट ए, आरएल एट ए प्लस एन वन इंटू 150 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 12 और एक्स की वैल्यू आप रख दो 150, तो यहां से कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 बाई 50 इंटू 150 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है 4 बाई 75 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 तो 2 इंटू 400, यहां से वैल्यू कितनी आ गई सबमिट पॉइंट पे, दिस वैल्यू इज देखिए कितना आया 100 प्लस 53 जा 3 माइनस ये वैल्यू जो हो गया 4 इंटू 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 75 इंटू 800, तो ये वैल्यू जो आ गई 101.5 मीटर, 101.5 मीटर सबमिट पॉइंट जो होगा, सबमिट पॉइंट जो होगा वो आपका कितने पे है, वो वहां का आरएल जो है वो कितना है 101.5 मीटर, और कहां का आरएल फिर हमें चाहिए, एंड ऑल्सो फाइंड द आरएल ऑफ सबमिट पॉइंट, और फिर अगर हमें आरएल जो है यहां का अगर चाहिए बी का इस पॉइंट का तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे आरएल एट बी भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं, आरएल एट बी वो क्या हो जाएगा आरएल एट ए प्लस एन वन इंटू एल, एन वन इंटू एल माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 12 और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू l पे, तो यहाँ पे आर एल एट बी भी हम लोग निकाल सकते हैं 100 प्लस यहाँ पे कितनी हो गई n1, यहाँ पे हो गया n1 इंटू, तो n की n1 कितनी है 1 बाई 50 इंटू 400, यहाँ पे n 400 है माइनस n, n की वैल्यू है 4 बाई 75 इंटू 2 इंटू 400 इंटू x स्क्वायर, x की जगह पे l रख दीजिए मतलब कि 400 का स्क्वायर, तो यहां से आर एल एट बी जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 8 माइनस हो जाएगा 4 इंटू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 75 इंटू 800, तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई कितनी 97.33 मीटर, 97.33 मीटर मतलब कि बी जो है वो ए से डाउन है, बी जो है वो ए से डाउन है, ये जो बी पॉइंट है वो ए से बिलो है, तो अब हम लोग यहां पे अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा, तो कुछ इस तरह ये आपका अपग्रेड है, ये आपका डाउनग्रेड है, और सबमिट कर्व जो है कुछ इस तरह, ये पॉइंट ए है कुछ इस तरह है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और ये आपका लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व, और ये मैक्सिमम जो है ये सबमिट पॉइंट ये है, दिस इज द सबमिट पॉइंट, ये आपका सबमिट पॉइंट है, सबमिट पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे, ए से आपका जो है वो कितने डिस्टेंस पे है 150 मीटर पे, और जो दो ग्रेडियंट जो मीट कर रहा है वो हमेशा जो होगा वो किसी भी से एल बाई टू पे ही होगा, तो ये जो है ये कितना होगा, ये जो है आपका कितना है 200 मीटर, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपका क्या है सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सबमिट पॉइंट को हमने एस से दिखाया है, ये आरएल जो है तो आरएल यहाँ का कितना है, आरएल ऑफ ए जो है वो 100 मीटर, और बी जो है वो कितने पे है तो 93.33 मीटर पे है, और जो आपका सबमिट पॉइंट सी पे जो है आरएल कितना है, ये आपका जो है वो वर्टिकल इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, ये वैल्यू एन है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कि हमने सारा चीज निकाला एक एक करके जो जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है।